हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछे गए हैं, और इनके आंसर शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो फिर दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, भारत में चेक की वैलिडिटी कितने समय की होती है, और इसका सही आंसर है 3 महीने की। पासवर्ड को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका सही आंसर है कूट शब्द। दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की होती है? तो कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन पूछा गया था 10,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है प्रकाश यानी लाइट। पेंसिल में HB का मतलब क्या है? तो कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया है 40,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है हार्ड ब्लैक। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, और इसका सही आंसर है राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज यानी एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। एक कुना यानी कितने रुपीस होते हैं? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, और कुना जो कि क्रोएशिया की करेंसी है, उसकी आज की वैल्यू है लगभग 11.5 रुपीस। और दोस्तों, ये करेंसीज के रेट हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ये सारे रेट जरूर चेक कर लो। छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर है फिजी। GST का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड का फुल फॉर्म बताना होता है, और GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है? तो कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन पूछा गया था 40,000 के अमाउंट के लिए, और इसका सही आंसर है एंकोर वैट, जो कि कंबोडिया में है। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे ज्यादा बिलियनेयर रहते हैं? तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि किसने इसका आंसर सही दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे 10 GK के क्वेश्चन जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन, IQ के क्वेश्चन और बहुत सारा जनरल नॉलेज शेयर किया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।